हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल मिथुड़ो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली एथर ने अपनी रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर में आधुनिक फीचर्स के साथ में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अपने सेगमेंट में बाकियों से अलग बनाता है। अब इसमें ऐसे कौन से यूनिक फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ में इसका प्राइस क्या रहने वाला है और कौन कौन से इसमें आपको मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात करें तो लुक्स तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको नेक्स्ट जनरेशन के साथ में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, इसमें सबसे खासियत मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सीट है ना, वो काफ़ी लंबी आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। इसी के साथ में जो इसके सीट के नीचे आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, वो आपको 34 लीटर का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भी आपको आगे की तरफ में 22 लीटर का स्टोरेज मिलने वाला है, यानी कि भाई स्टोरेज के मामले में सबसे बेस्ट स्कूटी रहने वाली है। इसके अलावा जो भी स्कूटी आती है उनमें इतना स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलता है। जो इसका टोटल स्टोरेज होता है वो 56 लीटर का हो जाता है दोस्तों। इसके साथ में जो इसका लाइटिंग सेटअप है वो पूरा आपको LED के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको LED में हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, LED में ही इसमें आपको DRL देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक रहने वाले हैं। पहला इसमें आएगा रिज़्डा S मॉडल, और इसमें दूसरा आएगा रिज़्डा Z मॉडल, और तीसरा आएगा इसमें रिज़्डा Z मॉडल। मतलब रिज़्डा Z के 2 मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बैटरी पैक अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट इसमें रिज़्डा S मॉडल है, उसमें आपको 2.9 किलोवाट की बैटरी पैक देखने को मिल जाएगी। इसकी रेंज आपको 123 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। सेकेंड मॉडल आता है इसका रिज़्डा Z मॉडल, जो कि आपका 2.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में देखने को मिल जाएगा। 123 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। और इसका जो टॉप मॉडल है रिज़्डा Z, इसमें जो आपको बैटरी मिलने वाली है 3.7 किलोवाट देखने को मिल जाएगी बैटरी पैक। इसमें आपको 160 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इनके प्राइसिंग के बारे में भी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं इसके टॉप स्पीड के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलने वाली है। बाकी इसमें आपको चार्जिंग का सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल आपको देखने को मिल जाएगा। आप आराम से इसके अलावा बाज़ार से एक सॉकेट लेकर लगा सकते हैं और आप मल्टीपल चार्जिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा ब्रेकिंग सिस्टम में। इसी के साथ में इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट इसमें स्मार्ट इको वाला राइडिंग मोड और सेकंड जिप राइडिंग मोड आने वाला है। स्मार्ट इको में आपको काफ़ी अच्छा रेंज देखने को मिल जाएगा और जिप मोड में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इसका आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलने वाला है, जो टॉप मॉडल है उसमें 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका जो बेस मॉडल आता है S मॉडल, उसमें आपको 7 इंच का तो मिलेगा लेकिन टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, ये आपको नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला सिस्टम मिलेगा, और जो टॉप मॉडल है टच स्क्रीन वाला, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे गूगल मैप्स। इसके अलावा दोस्तों, सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक का सस्पेंशन और रियर में आपको मोनोसॉक्स का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके सीट हाइट के बारे में बताऊँ तो इसमें 780 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो शॉर्ट राइडर है वो भी इजीली से चला सकते हैं, जो लेडीज़ वगैरह हैं, गर्ल्स वगैरह हैं, वो भी आसानी से इसे चला सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसके कलर ऑप्शन के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसमें जो बेस मॉडल आता है S मॉडल, रिज़्डा S मॉडल, उसमें आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो इसका टॉप मॉडल आता है Z मॉडल, इसमें आपको 7 कलर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप पसंद करना चाहें, ऑप्शन आपके सामने 7 कलर ऑप्शन है, आप 7 कलर में से कोई भी कलर ले सकते हैं दोस्तों। बाकी इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बताता हूं तो इसमें आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा, जो इसका बेस मॉडल है रिज़्डा S मॉडल, उसका एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 1,10,000 रुपये। इसके अलावा जो सेकेंड मॉडल आता है रिज़्डा Z मॉडल, जो कि 2.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है, उसमें आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,25,000, जो कि इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है। और जो इसका टॉप मॉडल है, जो आपका Z मॉडल आता है 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में, उसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी आपको 1,45,000 रुपये एक्स शोरूम। तो दोस्तों, मैंने आपको प्राइस के बारे में भी बता दिया है, बाकी इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है।
और अगर आपको चाहिए इन तीनों स्कूटर के बीच में आप कंपैरिजन करवाना चाहते हैं कि अपने को कंपैरिजन वीडियो चाहिए कौन से में कौन सा आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है अलग से, तो मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो भी ले आऊँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये स्कूटर कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।